जय साई राम, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे। हर दिन की भांति आज हम श्री साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत वृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंध का प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये है वृहद सचित सुख सागर श्रीमद् भागवत का। तो ये महाग्रंथ हम संसार में फैली इस महामारी को खत्म करने के लिए बाबा साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। और आप लोगों से बस यही आग्रह कि आप सभी भी इसका पाठ श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें और अधिक से अधिक लोगों में इसे प्रसारित करें, ताकि उनके जीवन का कष्ट को भगवान वासुदेव जी खत्म करें। और आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही लोगों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस पाठ से क्या लाभ हो रहा है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंध को। भक्त उद्धव का विदुर जी से मिलाप तथा मैत्रेय विदुर वार्तालाप और जय विजय तथा कपिल देव के अवतार की कथा का इसमें वृत्तांत बताया गया है। मंगलाचरण है, मंगलमय भगवान का मंगल रूप वराह, मंगलमय श्री कृष्ण है, मंगलमय श्री कृष्ण है, मंगल धर नहीं इच्छा। विदुर और उदार मिले सुनकर हुआ विचार, विदुर और उदार मिले सुनकर हुआ विचार, मैत्रेय और विदुर का हुआ फिर संवाद। मुनि ने तब भगवान की महिमा कही अपार, द्वार पार हरि के दव और कपिल अवतार, सुनकर मुनिवर के वचन विदुर रहे हर्षाय, पुनि बोले अव सृष्टि की उत्पत्ति देव बताए, उद्धव ने फिर विदुर से कहा प्रभु का हाल, पुनि कीनी भगवान की स्तुति महाविशाल, ब्रह्मा ने जब स्तुति कीनी हरि से आय, धर वराह वपु असुरवध लाए धरनी चिनाए, उद्धव से तब विदुर जी कहन लगे समझाए, श्री कृष्ण की कुशल अब हमको देव सुनाए। श्री कृष्ण की यहाँ पर बताया गया है, उद्धव ने फिर विदुर से कहा प्रभु का हाल, पुनि कीनी भगवान की स्तुति महाविशाल, ब्रह्मा ने जब स्तुति कीनी हर से आए, धनवारा वपु असुर बद लाए धरनी चिनाए, उद्धव से तब विदुर जी कहन लगे समझाए, श्री कृष्ण की कुशल अब हमको देव सुनाए, दुर्योधन की विदुर और कृष्ण रहे समझाए, राज्य दुष्टर की अभी बाटो भाग बनाए, मनु ने अपनी सुता को कदर्म को दियो ब्याय, देवहूति के साथ ऋषि रहे आनंद मनाए, विनती राधे श्याम की सुनियो कृष्ण मुरार, स्कंध तीसरे की कथा लिखुत सहित विस्तार। तो प्रथम अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एवं विदुर द्वारा युधिष्ठिर को राज्य भाग दिलाने के लिए दुर्योधन का सलाह देना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी ने शेष नाग को सुनाया और शेष नाग ने उसे वत्सायन मुनि को बताया, फिर वत्सायन ने मैत्री जी को सुनाया। यह सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कृष्णादि की भेंट किस जगह पर हुई थी। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर आदि को पराया मानकर अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राणाधार जाना, उस समय दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों पांडवों को तो प्रथम लाक्षाग्रह में ठहरा कर आग लगवा दी। इसके बाद भीमसेन के खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे, इतने पर भी वे ना मरे तो उसने जुए में छल करके उनका समस्त राज्य और संपत्ति को ले ली। तत्पश्चात उसने द्रौपदी को राजसभा में नंगी करने के विचार से दुशासन को उसका चीर हरण करने का आदेश दिया। इस पर भी जब उसके मन को शांति ना हुई तब उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से पांडवों की सर्वत्र रक्षा हुई। फिर 13 वर्ष पर्यंत जब
वे वन से लौट आए तब भी दुर्योधन ने उन्हें उनको राज्य भाग देना स्वीकार नहीं किया। उस समय कृष्णचंद्र जी, कृपाचार्य और विदुर आदि महाराज धृतराष्ट्र के बुलाने पर पंच बनकर दुर्योधन की सभा में गए और उसे झगड़ा समाप्त करने के हेतु बहुत समझाया। भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र की समझाते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे और भाई पांडु के पुत्रों में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुम्हें स्वर्ग को नहीं ले जाएंगे और ना युधिष्ठिर आदि तुमको नरक में ही डालेंगे। अतः तुमको उचित है कि तुम पांचों पांडवों को भोजन मात्र के लायक कुछ गांव देकर ही संतुष्ट कर दो। इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई होगी। राजा धृतराष्ट्र को जब यह बात भली नहीं लगी तब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अधर्म पर देखकर सत्य बात जानते हुए इस तरह समझाया कि हे भ्राता, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव बड़े ही सज्जन हैं। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते और सबको अपना प्रिय मानते हैं। इसलिए तुम उन्हें उनका हिस्सा अभी दे दो तो ठीक है। वैसे तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये पांचों भाई इतने बलवान हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी चाहे तो वह संग्राम में दसों दिशाओं के दिग्पालों को हताश कर सकता है। इसके अलावा भगवान श्याम सुंदर उनके सहायक है। तुम जो यह जान रहे हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े ही बलवान हैं, सो तुम यह निश्चय जानो कि भगवान नंद नंदन से विपरीत चलने पर तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इस अत्याचार से तुम्हारा समस्त धन और धर्म चला जाएगा। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन भी प्रभु त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण से वैर रखता है। इसलिए अगर तुम उससे प्रेम रखोगे और उनकी आज्ञा अनुसार चलोगे तो वह तुमको बहुत ही हितकारी सिद्ध होगा। इन सब बातों को सोचते हुए तुम पांचों पांडवों का राज्य भाग तुरंत दे दो। दुर्योधन तो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, इसलिए तुम उससे राज्य पदक को वापस ले लो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का भला है। नहीं तो यह याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के विमुख रहने के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। विदुर जी के इस तरह समझाने पर भी राजा धृतराष्ट्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय दुर्योधन ने कुपित होकर अपने सेवकों से कहा कि तुम विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह दुष्ट हमारे कुल की दासी का पुत्र होकर भी पांडवों के पक्ष में बोलता है। यद्यपि हम अभी तक इसका पालन करते रहे हैं, फिर भी यह हमारे उपकारों पर कोई ध्यान ना देकर उल्टा हमको धर्मापदेश देकर अपनी नीचता दिखा रहा है। दुर्योधन की आज्ञा को सुनकर सेवकों ने विदुर जी को सभा से बाहर निकालना चाहा। उसी समय विदुर जी ने अपने मन में सोचा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी बाह पकड़ के मुझे बाहर करेगा तो उस समय मेरा बड़ा अपमान होगा। अतः मुझे चाहिए कि इससे पहले ही मैं सभा से बाहर हो जाऊं। भगवान समस्त कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि के मन में अधर्म छा गया है और इनका भली भांति बात सुनना भी बुरा मालूम पड़ता है। यह सोचकर विदुर जी सभा से उठकर द्वार पर चले आए और उन्होंने अपने धनुष बाण आदि शस्त्र अस्त्रों को उतार कर वहीं पर रख दिया। शस्त्र रखने का कारण यह था कि शास्त्र सहित जाने पर दुर्योधन अपने हृदय में कहीं यह न सोचे कि विदुर पांडवों में जा मिले हैं। इसका ही नहीं बल्कि वस्त्र तक भी विदुर जी ने वहीं उतार दिए थे और केवल एक लंगोटी बांधे हुए तथा चादर ओढ़कर
हस्तिनापुर से निकल तीर्थ यात्रा करने के लिए बद्री का आश्रम की तरफ प्रस्थान कर दिए। हे राजन, विदुर जी का शस्त्र रखने का यह भी कारण था कि वे भगवान श्याम सुंदर के परम भक्त होने से आने वाली बात को जान लेते थे। उन्होंने अच्छी तरह यह जान लिया था कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है, इसलिए वहां से निकलकर एक वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा करने के बाद विदुर जी यमुना नदी के किनारे देव दर्शन करते हुए मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर आए और वहां वे बहुत दिनों तक रहे। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरव आदि सभी अधर्मी राजा मारे गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला। जिस समय भक्त उद्धव भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम सिधारने के बाद द्वारिका से बद्री का आश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में विदुर जी से उनकी भेंट हो गई। तब दोनों ही भगवत भक्त आपस में प्रेम पूर्वक गले मिले। जब विदुर जी को उद्धव जी द्वारा दुर्योधन के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने की खबर मिली, उस समय पहले उन्होंने शोक किया और फिर भगवान श्याम सुंदर की ऐसी इच्छा समझकर मन में धीरज धारण किया। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम भगवान वासुदेव जी को साईनाथ महाराज को द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाएंगे। इस महाग्रंथ के पाठ करने से बहुत ही लाभ होते हैं। इसका पाठ हम बहुत दिनों से चालू किए हैं ताकि आप सब भक्तों पे साईनाथ महाराज की भगवान वासुदेव जी की कृपा बनी रहे। आप लोग भी अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर आपके घर में जो भी ग्रंथ हो उसका एक अध्याय पाठ जरूर करें और यही प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, संसार में फैली इस महामारी को खत्म करें, सबके परिवार की रक्षा करें और अपनी कृपा बरसाए, हमसे जो गलतियां हों उसे क्षमा करें। हे प्रकृति माता, सब पे अपनी कृपा करें। आप सभी अगर इस पाठ से अगर आपके जीवन में थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक जनहित में शेयर कीजिएगा ताकि सब का कल्याण हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। साथ ही ज्वाइन करके आप मेंबर्स बन सकते हैं। साथ ही मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय साईं।